जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसकी गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। जिस प्रकार हमारी माता मरियम अपने पुत्र के क्रूस के सामने खड़ी थी, उनके पास 3 घंटों का समय ऐसा था जहां माँ मरियम ने अपने पुत्र के जीवन के महत्वपूर्ण पलों व सांसारिक अनुभवों का ध्यान किया। जिस प्रकार माता मरियम ने अपनी दृष्टि को उस क्रूसित प्रभु पर टिकाए रखा, जिससे कई सालों का अनुभव व खुशी के पलों से उन्हें आनंद व सांत्वना का अनुभव हुआ, और जिस प्रकार माँ मरियम की दृष्टि उस क्रूसित प्रभु पर थी, उनकी आंखों में वह खुशी झलक रही थी कि वे अपने पुत्र को निहार रही हैं। उन्होंने देखा कि यीशु की माँ दिव्य आत्मा, जो पूरी तरह लहू लुहान है, क्रूस पर अपने प्राण त्यागने के बावजूद ईश्वरीय अवतार की छाप उनके जीवन से नहीं मिटी। उसी प्रकार हम हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत का सामना करें, ईश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे जीवन में विद्यमान है। चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, प्रभु यीशु हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु की यही उपस्थिति हमारे जीवन में आनंद का एक मूल स्रोत बन जाती है। जीवन की हर घटी कमी को यही आनंद अपनी छत्र छाया में रखता है। आज के दिन हम भी अपनी दृष्टि माता मरियम के साथ प्रभु की ओर लगाएं, जिससे हम प्रभु के आनंद को अपने जीवन में महसूस करने पाएं। प्रिय माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि मैं आपके बेटे की दिव्य उपस्थिति पर अपनी नज़र रखूं, चाहे मुझे जीवन में कोई भी आनंद क्यों ना हो, उस दिव्य उपस्थिति से वह आनंद मिलता है जो मुझे आनंदित करने में सक्षम बनाता है। मेरी प्रिय माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु, मुझे आप पर भरोसा है।